गुजरा ध्यान देना। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर बात करेंगे, और जैसे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये छः होते हैं, तो इन सब के साथ जो एंगल लगा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो इन सबकी वैल्यू कितना होगा इस पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 0 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि किताब में एक टेबल बना करके इन सब का मान दिया हुआ है, तो इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि किस तरीके से पढ़े रहेंगे, जितना बेसिक पढ़े रहेंगे वही आपको 11th और 12th में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कि 0 डिग्री और 90 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, बात समझिएगा, ये ए है और ये बी है और सी है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा है। तो पहले आप जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में यहाँ से साइन थीटा अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण, अर्थात BC बटा AC। पहले तीन निकाल लेते हैं हम। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण, यानी AB बाई AC, क्लियर बात। और टेन थीटा इक्वल कितना होगा, लंब बटे आधार, यानी BC बाई AB। यहाँ पे तो अब ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब बात समझिएगा कि साइन 0 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होगा। तो पहले यहाँ पे ये समझिए, ये जो पहले एंगल है वो कितना है, थीटा डिग्री है। अगर ये BC छोटा होता गया, BC जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए और छोटा होते चला गया, धीरे 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 छोटा होते चला गया, बात समझ रहे हैं, इसकी लंबाई घटती चली गई। तो ये बताइए जब लंबाई घटेगी तो ये लाइन है वो भी धीरे धीरे एंगल धीरे धीरे घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये बताइए जब BC जब ये घटके जीरो हो गया, इसका मतलब घटके जीरो होने का मतलब ये हुआ कि BC = 0, यानी ये जो लाइन है वो धीरे धीरे घटते घटते यहीं पे आ गई। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब ये BC घटेगा तो इसका मतलब एंगल धीरे धीरे घटेगा। तो एक समय ऐसा आया कि BC घट के जीरो हो गया तो थीटा बराबर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और थीटा बराबर जीरो होने का अर्थ ये हुआ कि ये जो AC लाइन है, ये जो कर्ण है, वो किस पर चली आई, इस AB पर चली आई ना, तो हमने वही चीज यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ये C पॉइंट घसक करके यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब इस स्थिति में अगर ध्यान से आप देखें तो क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, AB। समझ में आ रहा है ये कैसे हमने लिखा हुआ है। इस केस में इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने, तो इसलिए साइन थीटा की प्लेस पे कितना हो गया, 0 डिग्री, और BC के जगह पे कितना आया मान, 0 / AC के जगह पे आप AB लिखे या कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि BC की वैल्यू पहले ही क्या हो गई है, 0। तो AC के जगह पे अगर आप AB लिखते भी हैं तो कोई फर्क नहीं, साइन ध्यान दीजिएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 / AB मतलब क्या, 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी निकल गई, 0। कोई दिक्कत है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, कास 0 वाला कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पर 0 पुट कर दिए, AB की वैल्यू कितनी है, AB की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, और AC / नीचे AC है तो ये कट के कितना मिल गया, 1। क्लियर बात यहाँ से, तो यहाँ से जो है कि कट के 1 हो गया, यानी कास 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत, कास 0 की वैल्यू 1, बात समझ में आया। और इसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा के प्लेस पे हमने 0 रख दिया तो यहाँ BC हो गया, BC की वैल्यू कितनी है, 0, और AB की वैल्यू कितनी है, AC, मतलब AB ही हम रहने दे रहे हैं,
तो cos tan 0 बाई एनी नंबर कितना आ गया ये 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0। क्लियर यहाँ से है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर cos 0 इक्वल 1 है तो sec 0 कितना होगा? जैसे यहाँ पे पुनः हम लिख रहे हैं sin 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इस साइन का उल्टा क्या होता है cosec 0, तो इसके नीचे 1 छिपा होता है ना, तो cosec 0 मतलब ये उल्टा होगा वैल्यू, तो 1 बाई 0 होगा। अब एनी नंबर बाई जीरो ये होगा हमारा अनडिफाइंड अपरिभाषित, जिसको हम लोग इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec 0 इक्वल कितना आ जाएगा अनडिफाइंड, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या अपरिभाषित। क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद इसी तरह से आप cos 0 वाला ले लीजिए, cos 0 की वैल्यू 1, cos का उल्टा कितना होता है sec होता है, तो यहां पे क्या हो गया ये sec 0, तो भाई इसका उल्टा करिए तो भी वैल्यू उल्टा होगा, तो 1 बाई 1 लिखने का मतलब 1 ही तो हो गया, कहीं कोई दिक्कत? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद tan वाला बच रहा, tan 0 की वैल्यू कितनी आई है 0 आया है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो cot 0 होगा, और उल्टा बोलने का मतलब इसके नीचे 1 छिपा हुआ, तो 1 बाई 0 होगा ना, तो 1 बाई 0 मतलब क्या अनडिफाइंड, ये कितना आ गया अपरिभाषित। कोई दिक्कत है? इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं जैसा कि हमने कहा। तो ये हो गया हमारा केवल 0 डिग्री के लिए। ऊपर यहां लिख लीजिएगा, जब यहां लिख लीजिएगा जब कोण 0 डिग्री हो। क्लियर बात? अब इसको नोट करिए, अब हम बात करेंगे कि जब कोण थीटा इक्वल कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, तब जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक इनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको पता है कि जैसा ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकल जाएगा, पहले ये मान हम सभी निकाल दे रहे हैं, साइन थीटा इक्वल कितना मिटाना नहीं चाहिए था इससे पहले वाला बी सी बाई ए सी, और कॉस थीटा कितना होगा ए बी बाई ए सी, और टेन थीटा कितना होगा बी सी बाई ए बी, यही होगा ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसे बढ़ते 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 ऐसे इस ए बी के लंबवत होगा तभी तो 90 डिग्री होगा, ये जब ऐसे बढ़ते 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 स्ट्रेट हो गया इस लाइन पे, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए चेंज कहाँ कहाँ हो रहा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो चेंज क्या होगा, पहले ये यहाँ था, अब ये जब यहाँ आएगा तो आप देखेंगे कि ये बी ये जो ए बी है वो घटेगा, खुद देखिए जब ये यहाँ चला आया तो यहाँ चला आएगा तो यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब फिर जब हम स्ट्रेट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये बी आके इस ए पे आ गया, ये जो पॉइंट बी था वो घट के कहाँ पे आ गया ए पे आ गया, इसका मतलब जो ये लेंथ है वो कितनी हो गई 0 हो गई ना, तो यहाँ पे ए बी कितना हो गया 0 हो गया इस केस में, और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये लंबाई कहाँ चली गई, ये जो बी सी ये भी तो लंबाई है, ये जब यहाँ पे आया तो ये बताइए ये जो है ये बी सी ये घटते घटते यहाँ पे चली आई, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, ये जो बी था वो यहीं पे चला आया और ये सी भी यहाँ चला आया, आया ना, तो जो ए बी था वो तो घट के 0 हो गया ना, और थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया, और ये सी पॉइंट था यहाँ चला आया, मतलब ये पूरा लेंथ उठ के यहाँ चला आया, तो ए सी बराबर क्या हो गया ए सी बराबर बी सी। क्लियर बात? इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, तो इसलिए समीकरण
एक से थीटा के प्लेस पे कितना रख दें हम 90 डिग्री, बीसी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, एसी रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, एसी है यहाँ पे तो कट के कितना आ गया 1 निकल के आया ना ये 1, तो यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो जब साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री का जब मान 1 हो गया तो इसका मतलब इसका उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 90 डिग्री भी कितना होगा 1 होगा। क्लियर बात? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन कॉस थीटा कितना निकल जाएगा, यहाँ से जो है कॉस कितना निकल जाएगा, कॉस 90 डिग्री कितना निकल जाएगा, ए बी, ए बी की जगह पे हम जीरो पुट कर दें, जीरो बाई ए सी, तो जीरो बाई ए सी बोलने का मतलब क्या, टोटल जीरो हो गया ना भाई, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी निकल गई जीरो। इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 90 कितना निकल गया जीरो बाई वन, तो ये वन बाई जीरो हो जाएगा ना, तो कितना होगा अनडिफाइंड अपरिभाषित। क्लियर बात? अच्छा अब उसके बाद यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं टेन के लिए, टेन थीटा इक्वल कितना है हमारा बी सी बाई, तो थीटा के प्लेस पे हम कितना पुट करेंगे 90 डिग्री, बी सी के प्लेस पे कितना हो गया ए सी, अरे हो गया ना थीटा जब रखेंगे तो बी सी के प्लेस पे कितना हो गया ए सी, ए सी बाई बी सी, एक मिनट कहीं गड़बड़ है क्या, हाँ ए बी, ए बी की वैल्यू तो जीरो है, ए सी बाई कितना आ गया जीरो, ए बी की वैल्यू जीरो है ना, तो एनी नंबर बाई जीरो अनडिफाइंड अपरिभाषित है ना, तो टेन 90 डिग्री कितना आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है वन बाई जीरो, तो ये बताइए कॉट 90 इसका उल्टा होता है ना, तो जीरो बाई वन होगा ये, जीरो बाई वन बोलने का मतलब आप क्या समझते हैं जीरो होगा ना, अरे भाई जीरो बाई वन ही हो जाएगा ना कॉट, तो जीरो बाई वन कितना आ गया जीरो, कॉट 90 की वैल्यू जीरो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थीटा जब बराबर जब 90 डिग्री होगा तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल दिया। कहीं से कोई दिक्कत है तो इसको नोट करिए, उसके बाद 30 और 45 60 पर बात कर रहे हैं। हो गया तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए तो हमने बता दिया सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या क्या होगा, ठीक है। अब बच रहा क्या 30 60 और 45 डिग्री, ये तीन और बच गए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हम 30 और 60 डिग्री के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कोण, जब कोण 30 और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मुख्य रूप से समकोण समबाहु त्रिभुज पर बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि 30 और 60 डिग्री के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज पर विचार करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो ये यहाँ से ये एक समबाहु त्रिभुज है, आप समझते रहिएगा, ठीक है। और ये है ए, ये बी और ये सी, तो त्रिकोणमितीय तब तक नहीं लागू हो सकेगा इसमें जब तक कि हमें लंब कर्ण और आधार का पता ना हो। अगर ये पता होगा तभी तो हम जो है कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक जो भी त्रिकोणमिति अनुपात उनका मान निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक बात कहा था कि चाहे किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है,
60 डिग्री का होता है। क्लियर बात। तो ये एक 60 डिग्री एंगल है, ये अभी 60 डिग्री एंगल है और ये अभी 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। और इस तभी तो ये देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बन गया, बना कि नहीं समकोण त्रिभुज। और जब हमने लंब डाला है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 और ये भी 30। और मान लेते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितना है, 2a है और ये भी कितना है, 2s। ये हम a भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल जो है कि a ही 2a मान लें, हम a मान के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2a मान रहे हैं ताकि हमारा काम बहुत आसान हो जाए, ठीक है। और ये भी कितना हो गया हमारा, 2a। क्लियर। ये बताइए, इसको हम d नाम दे देते हैं, आप a भी मान सकते हैं। a हम a इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि पूरा लेंथ जब a मानेंगे तो ये जो लंब है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, तो ये वाला पार्ट a बाई टू होगा और ये a वाला पार्ट a बाई टू हो जाएगा ना इससे, तो a बाई टू में थोड़ा सा और लगेगा। जब हमारे पास सिंपली तरीका पता है तो क्यों ना इसको 2a मान लिया जाए, डिवाइड वाला लफड़ा ही खत्म हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। जब इसको हम 2a मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो गया, ये a। वरना अगर a मानते तो क्या होता, a बाई टू होता ना, इसीलिए हम इसको a मान लिए अपनी सुविधा के लिए। क्लियर बात। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस त्रिभुज को देखें केवल बी डी ए, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, है ना। तो समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे कि हमें ये ए डी पता है, ए बी पता है, लेकिन ये नहीं पता है, बी डी नहीं पता है, पता है नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में हमको ये पता है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। क्लियर बात। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमको ए बी पता है कितना, 2a का स्क्वायर है ना, ए डी कितना पता है, a का स्क्वायर, बी डी कितना पता है, अरे नहीं पता है ना भाई, पता है नहीं पता है। तो a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, 4a में से एक हट गया तो कितना आ गया, 3a का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर। क्लियर बात। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, करड़ी होगा। तो ये बताइए, ये तो स्क्वायर से तो केवल रूट इसके लिए खत्म होगा, लेकिन इसके लिए नहीं होगा। ये हो गया रूट 3a इक्वल बी डी, कोई दिक्कत। यानी ये लेंथ हमें कितनी मिल गई, ये पूरा रूट 3a मिला कि नहीं मिला। तो अगर हमें, मान लीजिए जरा ध्यान दीजिए, अगर साइन 30 अंश का मान ज्ञात करना हो तो कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, चलेंगे ना, जब 30 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो हमें ये लंब होगा और ये आधार। और 60 अंश की बात की जाए तो यहाँ से चलेंगे, क्लियर बात, और ये लंब होगा और ये आधार। क्लियर हो रहा। तो यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ से चल रहा है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी सॉरी लंब बटे कर, ये हो गया ना, यहाँ से लंब बटे कर्ण, ए डी बाई ए बी होगा कि नहीं होगा। ये बताइए ए डी कितना है, ए, और ये कितना है, 2a, तो कट के कितना मिल गया, 1/2। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना मिल गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा ना। इसके बाद कॉस 30 निकाल लें, अच्छा साइन 30 जब ये मिल गया तो कॉसेक 30 तो मिल ही जाएगा, क्यों 2/1 होगा ना, तो केवल 2 हम लिख रहे हैं। क्लियर बात। इसके बाद हम निकाल रहे हैं कॉस 30, तो कॉस 30 डिग्री के लिए आप देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, रूट 3a बाई 2a खत्म हो गया, कितना आ गया, रूट 3/2। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल गई, रूट 3/2। ये बताइए जब कॉस 30 निकल गया तो सेक 30 निकालने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, 2/2
रूट थ्री, क्यों? ऐसा क्लियर हो रहा? अच्छा, इसके बाद जो है कि बचा टेन वाला, टेन 30 डिग्री अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे? लंब बटे, सॉरी यहां से देखें तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे आधार ए बाई रूट थ्री ए, तो ए से कैंसिल, तो 1/√3, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल गई? कोई दिक्कत? तो जब टेन 30 इतना है तो कॉट 30 निकालने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से अगर साइन वाला निकालना हो, मैं थोड़ा सा इधर ही लिख दे रहा हूं, साइन वाला, साइन, अब स्पेस नहीं है तो अपने कापी में ऐसा नहीं कि साइड में जगह बच रहा तो लिख दीजिए, ठीक है, कापी में नीचे लिखिएगा सारा अच्छे तरीके से सजा सजा करके। साइन 60 कितना हो जाएगा? साइन 60 कितना हो जाएगा? यहां से देख रहे हैं ना, तो लंब बटा कर्ण, रूट थ्री ए बाई टू ए, कट गया तो कितना आ गया? साइन 60 बराबर रूट थ्री बाई टू। तो मेरे हिसाब से तो आप बाकी सब निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो मैं लिख नहीं रहा हूं, निकालना आप लोगों का काम है, निकल जाएगा ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट करिए। तो अब एक और एंगल बच रहा, ठीक है, जरा ध्यान देना, जब कोण 45 डिग्री हो, ठीक है, अर्थात 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण बोलते ही इस बात का पता लग जाता है कि ये कितना है, 90 डिग्री है, क्लियर है। तो हम 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर ये मान लेते हैं अगर ये 45 डिग्री है तो ये बात पक्का है कि ये 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा? क्योंकि ये 90 45 तो बच रहा 90, सॉरी ये 90 है और ये 45 है, ठीक है, तो कितना होगा 135 और ये 45 मिलके 180, ये बात पता होना चाहिए। तो आपको ये बात पता है कि अगर ये दो कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या है? बराबर हैं। तो यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर। तो मान लेते ये भुजा कितना है? ए है। ये बताइए यहाँ से जो है कि ए बी ए सी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए सी में डायरेक्ट निकाल लो, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा ना कैसे निकाल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आ रहा? ए सी बराबर कितना हो गया? अरे भाई कर्ण वाला तो है, हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, पाइथागोरस से क्या पता? ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए सी बराबर कितना? ए आई स्क्वायर ए का स्क्वायर, टू ए का स्क्वायर, और ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो करड़ी हो जाएगा, क्यों? स्क्वायर से इसके लिए करड़ी खत्म, लेकिन टू के लिए नहीं खत्म, क्लियर बात? तो ये कितना आ गया? रूट टू ये बताओ त्रिभुज सी ए बी में, हम इस वाले एंगल पे बात कर रहे हैं, सर 45 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण ए बाई रूट टू साइन, उसके बाद कास 45, अच्छा साइन 45 अगर ये निकल गया तो कॉसेक 45 नहीं निकल पाएगा, ओनली रूट टू होगा ना, अच्छा कास 45 इक्वल कितना हो जाएगा? कास 45 आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण ए बाई रूट टू ए, ए से ए कैंसिल तो 1/√2, तो कास 45 इतना है तो सेक 45 कितना आ जाएगा? ओनली रूट टू होगा ना,
कास 45 को भी अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बच रहा है, 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार ए बाई ए कट के कितना हो गया 1। 10 45 इक्वल जब ये 1 है तो cot 45 भी कितना होगा 1। नहीं समझ आया, नोट कर लीजिए सारा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, वो सब हमने निकाल दिया हुआ है, ठीक है। और किताब में देखेंगे तो एक टेबल बना करके इन सारा मान एक जगह अच्छे तरीके से अरेंज किया है, तो वो सारा आपको याद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, तभी आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएंगे। और